गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक नया क्वेश्चन, नई प्रॉब्लम रिगार्डिंग फॉरफीचर्स ऑफ शेयर्स। अब तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें सिंपल फॉरफीट कर लिया गया था कि इन शेयर को इतने जिसने ये कॉल नहीं दी थी उनके शेयर को फॉरफीट कर लिया गया। लेकिन अब प्रॉब्लम आती है कि जब शेयर्स पर अलॉटमेंट ना दे, फर्स्ट कॉल ना दे और सेकंड कॉल भी ना दे, और फर्स्ट कॉल पर जो शेयर इशू हुए हैं, इशू शेयर हैं, वो प्रीमियम पर इशू हुए थे। तो यहाँ दो कंडीशन होती हैं कि एक कंडीशन होती है कि प्रीमियम की अमाउंट मिल चुकी है या प्रीमियम की अमाउंट नहीं मिली हुई है। ये कंडीशन है यहाँ पर कि अगर प्रीमियम की अमाउंट नहीं थी या मिल चुकी है तो आपका लास्ट तरीके से जैसे मैंने लास्ट वाले पार्ट में बताया था बिल्कुल सेम एंट्री फॉरफीचर की वही होगी। लेकिन जब प्रीमियम की अमाउंट ना मिली हो, जैसे क्वेश्चन है आपका यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन 10,000 इक्विटी शेयर 10 इंच, ऑन एप्लीकेशन 2 रुपीज, ऑन अलॉटमेंट 3 रुपीज, इंक्लूडिंग 1 रुपीज प्रीमियम। ध्यान से करना, ऑन फर्स्ट कॉल 3 रुपीज एंड सेकेंड कॉल 3 रुपीज। द प्रॉब्लम इज मिस्टर एक्स हु होल्ड 1000 शेयर्स, ही डिड नॉट एबल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल्स, यानी कि उसने एप्लीकेशन ही पे की है, अलॉटमेंट भी नहीं पे किया और कॉल्स भी पे नहीं की। अब बात आती है कि अलॉटमेंट प्रीमियम कहाँ पर है, अलॉटमेंट के साथ है, ठीक है। जब अलॉटमेंट पेड नहीं किया तो इट मीन्स प्रीमियम भी पेड नहीं किया होगा इन 1000 शेयर का, और द कंपनी डिसाइडेड टू फॉरफिटेड दीज शेयर्स। अब कंपनी ने उन शेयर को फॉरफिट कर लिया, तब हमारी जनरल एंट्री या सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेशन टेबल जैसे हरबा बनाते हैं बिल्कुल सेम, कोई चेंजेस नहीं है कि 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 विद प्रीमियम, वी विल ऐड एंड 10,000 3 30 एंड 1,000 मल्टीप्लाई 3 30,000। नाउ प्रॉब्लम मिस्टर एक्स हु हैव 1000 शेयर्स, कितने थे शेयर, 1000 शेयर्स, ही डिड नॉट पे आफ्टर एप्लीकेशन, की एप्लीकेशन ही दी है उसने, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं दी है। 1000 मल्टीप्लाई बाय 2, ध्यान रखना कि पहले आप शेयर की वैल्यू से करेंगे और फिर प्रीमियम की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 2000 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 1000, यानी कि जो 1000 रुपीज है ये आपका क्या है, दिस इज द प्रीमियम, यानी कि ये प्रीमियम 1000 रुपीज प्रीमियम नहीं मिला है और 2000 रुपए शेयर की वैल्यू नहीं मिली है, एंड 1000 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 1000 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। नाउ सम ऑफ दीज आपकी रिसीव्ड अमाउंट आ गई, कैलकुलेशन टेबल इज क्लियर। नाउ पांच जनरल एंट्री आपकी रिसीव्ड यू एंट्री वही वाली सिंपल, कोई चेंजेस नहीं है, रिसीव्ड यू एंट्री वही वाली सिंपल, कोई चेंजेस नहीं है। आपके ड्यू अमाउंट 20 या 10,000 विद प्रीमियम, मैं यहाँ से कर देता हूँ, एप्लीकेशन की मैं नहीं कर रहा, यहाँ से देख लीजिए। पहले आपके ड्यू शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने, 20,000, लेकिन यहाँ प्रीमियम भी है तो यहाँ टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा, तो अमाउंट इज 20,000 एंड 10,000 प्रीमियम, इट मीन 30,000, इज इट क्लियर। रिसीव्ड एंट्री सेम, बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कितनी, 27,000, डायरेक्ट अमाउंट राइट कर देंगे 27,000, ठीक है, 27 डायरेक्ट अमाउंट, क्यों हमने कॉलेज आ रही है वगैरह क्यों नहीं राइट किया, क्योंकि यहाँ ये शेयर फॉरफिट हो गए हैं, तो जब शेयर फॉरफिट होते हैं तब हम कॉलेज अरियर्स नहीं लिखते हैं, क्लियर। बिल्कुल सेम इसी की, बिल्कुल सेम आपकी ये रहेंगे रिसीव्ड यू, रिसीव्ड यू, कोई चेंजेस नहीं। ना अब आते हैं आपकी मेन एंट्री फॉर फ्यूचर की, एट द लास्ट वी विल पास द एंट्री फॉर फ्यूचर, फॉर फ्यूचर एंट्री।
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये टू शेयर फॉरफीचर, टू अनपेड कॉल, अनपेड कॉल अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइन कॉल, तीनों लिखी जाएंगी, टू अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल एंड टू सेकंड कॉल, ये आपकी एंट्री है। लेकिन यहाँ क्या ये चेंज, ये हमारी सेम एंट्री थी पीछे वाली, जैसे लास्ट बार लास्ट पार्ट में सब रहा था, लेकिन यहाँ चेंजेस क्या है, यहाँ देखिए प्रीमियम, यहाँ प्रीमियम नहीं मिला है। तो जब प्रीमियम अगर मिल जाता है तो आपकी ये एंट्री है, और प्रीमियम नहीं मिलता है तो आपका जो प्रीमियम है तो यह प्रीमियम को डेबिट किया जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। ध्यान रखना सिर्फ यही पॉइंट है कि अगर प्रीमियम नहीं मिला है तो आपकी ये एंट्री होगी। राइट द अमाउंट, देखिए आपका शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, टू शेयर फॉरफीचर, फिर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। देखिए यहाँ से राइट करने शुरू कर दीजिए, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, अलॉटमेंट में कितने, टू एंड वन दोनों, यानी कि प्रीमियम की अमाउंट भी ऐड करके राइट करेंगे। अलॉटमेंट में आपकी 3000 रुपीज, फर्स्ट कॉल में 3 एंड सेकंड में भी 3000 एंड 3000। एसेट क्लियर। यहाँ देखिए शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम, शेयर कैपिटल तो आपकी ये है कितने, 20,000 कितने शेयर आपने प्रॉफिट किए हैं, 1000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय कितने का शेयर था, 10 रुपीज, तो इट मीन 10,000। इज इट क्लियर। अब आती है प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना नहीं मिला, 1000 रुपीज, इतने मिला तो 1000 रुपीज इज सिक्योरिटी प्रीमियम। इज इट क्लियर, कितना हुआ 11,000, ये कितना 9,000, द डिफरेंस ऑफ बोथ 2000। इट मीन्स एप्लीकेशन की अमाउंट जो है वो 2000 रुपीज जो हमें रिसीव्ड हो चुकी थी, वो ये फॉरफीचर इतनी हमने कर ली। दिस इज द एंट्री बीइंग शेयर फॉरफीटेड। इज इट क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो डिस्कशन में। ओके थैंक्स।